हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कुछ डाउट क्वेश्चंस जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें सेंड किए हैं। सो बेसिकली ये क्लास 10 फिजिक्स के डाउट क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे स्पेसिफिकली हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जहाँ पे आपके पास एक वायर दिया होता है क्वेश्चन में और कहा जाता है कि आपने उस वायर को स्ट्रेच किया, सो वहाँ पे आपको उसका न्यू रेजिस्टेंस बताना होता है। सो इस टाइप्स के क्वेश्चन अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज कर देते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो चलो देखते हैं। और साथ साथ हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं जिन्हें आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। सो इन क्वेश्चंस को देख के अक्सर बच्चों का दिमाग घूम जाता है कि इन्हें करना कैसे है, या फिर टीचर भी यहाँ पे शॉर्ट सा एक फॉर्मूला बता देते हैं, वही यूज़ करके बच्चे कर लेते हैं। लेकिन वो फॉर्मूला काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो सकता है बच्चों के लिए, बिकॉज इन्हें समझ नहीं आता है कि ये कैसे किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसको करने का उनको तरीका नहीं समझ में आता है। सो आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे आपको एक वायर दिया जाता है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, फिर हमें उसको स्ट्रेच करना होता है। सो जब स्ट्रेच करते हैं तो वायर में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे उसका रेजिस्टेंस वैरी करता है, मैं डिटेल में आपको यहाँ समझाऊंगा। और जो तरीका मैं बताऊंगा वो तरीका अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप कभी उसको भूलोगे नहीं, बिकॉज बहुत ही सिंपल तरीके से मैं उसको समझाऊंगा। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, और इसको सॉल्व करते करते मैं आपको बताता चलूंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो चलो अभी पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको पढ़ते हैं। सो यहाँ पे है अ गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, यानी कि इस वायर का स्टार्ट में हमें रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 ओम, इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। मतलब एक वायर था, हमने उसको खींच के एक तरह से उसकी लेंथ को डबल कर दिया, तो हमें बताना क्या है, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो हमें उस डबल लेंथ वाले वायर की, यानी कि खींचे हुए वायर की न्यू रेजिस्टेंस बतानी है। सो यहाँ पे चीज़ों को पहले लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो भी समझते हैं। सो यहाँ पे मैंने इस पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ मैं ओल्ड वायर जो हमारा इनिशियली वायर था उसकी डिटेल्स लिखूंगा, और जो स्ट्रेच्ड वायर है मतलब वायर को खींचने के बाद जो उसमें चेंजेस आए हैं वो मैं स्ट्रेच्ड वायर के नीचे लिखूंगा। सो इससे क्या होता है, आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है और आपको क्या निकालना है, और बेसिकली कैसे करना है, थोड़ा सा इससे हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो, ओल्ड वायर की रेजिस्टेंस की हम बात करें तो इनिशियली वायर की हमारी रेजिस्टेंस कितनी है, आर इज इक्वल टू 1 ओम, ये हमारे इनिशियल वायर का रेजिस्टेंस है। अच्छा, स्ट्रेच्ड वायर का रेजिस्टेंस यही हमें निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं आर डैश हो जाएगा हमारे न्यू वायर का रेजिस्टेंस, यही हमें फाइंड करना है यहाँ पे। फिर और चीज़ें हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि हमारे पास एक वायर था उसकी हमने लेंथ डबल कर दी, स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। तो यहाँ पे शुरुआत की लेंथ को आप मान सकते हो L1, और इसको ले लेते हैं L, और जो L2 हो जाएगी यानी कि सेकेंड वायर स्ट्रेच वायर की लेंथ हो जाएगी, वो हो जाएगी इसकी डबल, यानी कि 2L, राइट। इतना ही वो क्लियर होगा आप लोग को। इसके बाद और यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं समझना, यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, रेजिस्टेंस आपको निकालनी है यूजिंग दी फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जो R होता है वो रेजिस्टिविटी पे कैसे डिपेंड होता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L बाय A, राइट। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी से खैर आपको मतलब नहीं है, बिकॉज वायर जब स्ट्रेच किया जा रहा है तो वायर तो सेम है, यानी कि इसका रेजिस्टिविटी और स्ट्रेच्ड वायर का रेजिस्टिविटी दोनों का सेम होना है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है बाद में। यहाँ पे आपको मतलब किससे है, यहाँ पे फॉर्मूले में देखो एक चीज़ है लेंथ, और दूसरा जो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है ये एरिया ए, इससे आपको मतलब है। अगर आपको लेंथ पता लग गया कि नए वायर का लेंथ क्या होगा, वो तो आपको पता है कि लेंथ आपका डबल हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो स्ट्रेच्ड वायर है, जो खिंचा हुआ वायर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। सो यहाँ पे अगर हम एरिया फाइंड कर लेते हैं स्ट्रेच्ड वायर का, तो हम आसानी से नए वायर का रेजिस्टेंस भी निकाल पाएंगे। सो यहाँ पे ये कैसे पता करेंगे, यहाँ पे आपको मैथ वाला दिमाग लगाना पड़ेगा और मेंसुरेशन चैप्टर पे जाना पड़ेगा। अब आप सोचोगे मैथ्स कहाँ लग गई, असल में मैथ्स और फिजिक्स आपस में भाई बहन होते हैं, तो वो साथ ही में रहते हैं हमेशा। चलो, तो यहाँ पे आपका जो ओल्ड वायर है, ओल्ड वायर हम बना लेते हैं, ओल्ड वायर आपका कुछ ऐसा होगा, मान लेते हैं इस तरह का वायर आपका है, वायर है तो उसको सिलेंड्रिकल शेप का ही मानोगे। फिर हमने इस वायर को पकड़ा और कसके खींच दिया, डबल कर दी इसकी लेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वायर की लेंथ तो इंक्रीज करेगी, लेकिन क्योंकि इसमें मटेरियल हमने अलग से ऐड नहीं करा है, तो इस वायर का जो थिकनेस है वो कम हो जाएगा। सोच के देखो, आपने कोई मटेरियल लिया, उसको ऐसे पकड़ के खींच दिया, तो उसकी लंबाई जब आप बढ़ा रहे हो तो मटेरियल हमने उसमें कुछ ऐड तो किया नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी थिकनेस तो कम होगी ना उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। तो लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि ये जो साइड वाला एरिया है, ये जो ए है, ये नए वाले वायर में हो जाएगा कम। तो शुरुआत वाले एरिया को हम मान लेते हैं A1, और नए वाले वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम मान लेते हैं A2। हमें यही निकालना है कि नए वाले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा ओरिजिनल वाले के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे, तो हमने मेंसुरेशन में पढ़ा है कि जब भी हम कोई रीकास्टिंग करते हैं या किसी सेम ऑब्जेक्ट को, या मेल्ट करके उसके बाद रीकास्ट करते हैं, या फिर उसको स्ट्रेच करेंगे, कुछ भी उसमें चेंजेस करेंगे, अगर हम उसमें से कोई मटेरियल निकाल नहीं रहे हैं या उसमें कोई मटेरियल कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स ऑब्जेक्ट्स के सेम रहते हैं। सो यहाँ भी इन दोनों वायर का जो वॉल्यूम होगा
वो सेम होगा, यानी कि पहले वाले वायर का जो वॉल्यूम होगा वो सेकेंड वाले वायर के वॉल्यूम के बराबर होगा। सो यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल शेप के वायर्स हैं, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है या तो आप लगा दो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, या फिर पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एच, यहाँ पे हो जाएगी लेंथ, तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ। ठीक है, एच बेसिकली हाइट होती है, तो हाइट को यहाँ पे आप लंबाई मान रहे हो, यही चीज़ तो है यहाँ पे, ये आपकी हाइट की जगह ये क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, और यहाँ भी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2L। सो बस यहाँ पे हाइट की जगह आपकी लेंथ हो जाएगी, सो यहाँ पे ए इंटू एल हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला वॉल्यूम का। सो यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ, वॉल्यूम वन को हो जाएगा ए वन इंटू एल वन, और वॉल्यूम सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, ए टू इंटू एल टू। आई होप इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हो जाएगा ए वन अपॉन ए टू विल बी इक्वल टू, ए वन अपॉन ए टू का वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टू अपॉन एल वन, और लेंथ आपको दोनों पता है, एल टू कितनी है 2L, डबल लेंथ है, और L1 यानी कि शुरुआत वाले वायर की लेंथ हमने L मानी थी, तो ये L हो जाएगी, यहाँ पे L से L कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2/1। तो यानी कि A1 अपॉन A2 कितना आ गया, 2:1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2, मतलब A1 की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस ऑफ A2, या फिर A2 को देखोगे तो A2 इज इक्वल टू A1/2, जैसे भी आप ले लो। तो यहाँ पे मुझे एक रिलेशन मिल गया इनिशियल एरिया में और फाइनल एरिया में, तो इसको हम पुट करेंगे अभी अपनी इक्वेशन में। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है आर डैश, यानी कि नए वायर का रेजिस्टेंस। सो आर डैश के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, आर डैश इज इक्वल टू रो एल टू बाय ए टू। अब क्योंकि हम नए वायर का रेजिस्टेंस निकाल लें तो क्या हो जाएगा, रो एल टू बाय ए टू। इसी तरह यहाँ पे अगर हम ओल्ड वायर के रेजिस्टेंस की बात करें, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाय एल वन बाय ए वन, यहाँ पे ओल्ड वायर का रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, और यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ पे आपकी लाइन ब्रेक होगी, मतलब आर डैश अपॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो एल टू बाई ए टू, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो एल वन बाई ए वन। अब यहाँ पे रो से रो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एल टू बाई ए टू ऊपर और नीचे एल वन बाई ए वन। तो इसको आप अरेंज करके ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू, ऊपर वाला फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगा एल टू बाई ए टू, नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो ये आ जाएगा ए वन बाय एल वन। तो कहीं ना कहीं ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एल टू बाय एल वन इंटू ए वन बाय ए टू। सो ये बन गया आपका फॉर्मूला आर डैश अपॉन आर का। कई टीचर से डायरेक्टली बता देते हैं, बट यहाँ पे ये कैसे आया, ये अभी हमने डेराइव करा है यहाँ पे। अब आपको क्या बताना है, आर डैश का वैल्यू बताना है। आर डैश का वैल्यू आप यहाँ पे बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हो, आर डैश अपॉन आर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे एल टू बाय एल वन आपको कितना दिया हुआ है, एल टू आपका है 2L, तो इसको आप 2 ले लो, एल टू बाय एल वन, यहाँ पे हम निकाल भी चुके हैं, एल टू बाय एल वन का वैल्यू यहाँ से आप देख लो इस जगह से कितना आ रहा है, 2:1। तो यहाँ पे 2/1 रख दो, यानी कि एल टू बाय एल वन का वैल्यू हमने 2:1 रख दिया इंटू। इसके बाद ए वन बाय ए टू का वैल्यू क्या होगा, वो हम अभी निकाल चुके हैं, ए वन बाय ए टू का वैल्यू कितना है, ये भी कितना है 2:1, यहाँ पे देख लो इसी जगह पे, ये हमने किसका निकाला था, ए वन बाई ए टू का ही तो वैल्यू निकाला था, तो ए वन बाई ए टू का वैल्यू कितना हो गया 2/1। सो यहाँ पे आर डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, सो इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर डैश इज इक्वल टू 4R, और इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा कितना था, क्वेश्चन में गिवन था आर हमारा था 1 ओम, तो यहाँ पे आर की वैल्यू जैसे ही आप 1 रखोगे तो आर डैश कितना आ जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 4 ओम। सो यही आ जाएगा हमारा फाइनल रेजिस्टेंस या फिर न्यू वाला रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे आर डैश का वैल्यू कितना आ गया, द फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर इज इक्वल टू 4 ओम। सो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन हमने कैसे किया आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के इसको पूछ सकते हो, और कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जिसको अभी हमने डेराइव करा है। सो आप डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, लेकिन अगर नहीं याद होता है तो आप इसको डेराइव भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर तरीके से। सो इसके बाद चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, इनिशियली हमारे पास 3 ओम का एक वायर है एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर, और इस बार लेंथ उसकी 10 सेंटीमीटर है, इस स्ट्रेच टू लेंथ 30 सेंटीमीटर, नई लेंथ हमको दी गई 30 सेंटीमीटर, यानी कि 3 गुना हमने उसको स्ट्रेच कर दिया है। अज्यूमिंग दैट इट हैज़ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, वॉट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, और न्यू रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें निकालनी है, तो इसको भी यहाँ टेबल वाइज हम बना लेते हैं। सो यहाँ पे भी ओल्ड वायर की डिटेल्स हम लिख लेते हैं, मतलब इनिशियली वायर कैसा था, इनिशियली वायर का रेजिस्टेंस जो था वो था 3 ओम, तो यहाँ पे लिख लेंगे आर इज इक्वल टू हमारे ओल्ड वायर का था 3 ओम। उसके बाद लेंथ हमारे वायर की थी, यानी कि एल वन हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और उसको हमने स्ट्रेच कर दिया टू 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे स्ट्रेच्ड वायर का लेंथ यानी कि L2 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर,
और यहाँ पे हमें नए वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसको हम मान लेते हैं आर डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही हमें निकालना है। अज्यूमिंग दैट इट हैज़ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है, मतलब खींचने में भी ऐसा नहीं होगा कि वो एक जगह मोटा हो जाएगा एक जगह पतला हो जाएगा, उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहेगा, तो इससे बस ज़्यादा कोई मतलब नहीं है हमें। वॉट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आर डैश का वैल्यू हमें निकालना है। अगेन यहाँ पे भी हमें यही चीज़ करनी है, दैट आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए फॉर्मूला यूज़ करना है। तो रो से तो मतलब है नहीं, बिकॉज सेम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, रो चेंज होगा नहीं, रेजिस्टिविटी सेम रहनी है, लेकिन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। सो लेंथ हमें दी हुई है दोनों की, L1 और L2, लेकिन हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं पता। अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नए वाले वायर का जैसे ही हम पता लगा लेंगे कि ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में कितना है, वैसे ही हम नए वायर का रेजिस्टेंस भी बता देंगे। सो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए अगेन मेंसुरेशन का ही यूज़ करेंगे। सो मेंसुरेशन कहता है कि जब आपने एक वायर लिया, यहाँ पे वायर ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज ये वायर है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर लंबा वायर है, और इसको जैसे ही मैंने स्ट्रेच करके बहुत लंबा किया, यानी कि 30 सेंटीमीटर, 3 गुना लंबा कर दिया इसको, तो जैसे ही हम इसको लंबा करेंगे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनिशियली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लेते हैं, बाद में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। सो यहाँ पे A1 A2 का रिलेशन क्या होगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला, कि इनिशियल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ L1 इज इक्वल टू सेकेंड का वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंड वायर इंटू लेंथ ऑफ सेकेंड वायर। यहाँ पे A1 इज टू A2 निकाल लो, यहाँ पे आ जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, ठीक है। तो ये हो जाएगा L2 आपको कितना दिया है, ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और L1 कितना दिया है, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। आप कैंसिल आउट कर लो, ये कितना आ जाएगा 3/1, तो 3/1 आ गया किसका, A1 इज टू A2 का वैल्यू, इसको आप मान सकते हो इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज इसका हम आगे यूज़ करेंगे अभी। अब हम लगाते हैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। सो नए वायर का रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, आर डैश क्या हो जाता है, आर डैश इज इक्वल टू रो L2 बाय A2, ये हो गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला नए वाले वायर के लिए। फिर अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये हो जाएगा रो L1 बाय A1, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बेसिकली लगा रहे हैं दोनों रेजिस्टेंसेस के लिए। सो नए वाले वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो L2 बाय A2, पुराने वाले वायर का रेजिस्टेंस यानी कि इनिशियल वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L1 बाय A1। यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, रेजिस्टिविटी सेम है, कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू, आर डैश का फ्रैक्शन वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा L2 बाय A2 इनटू, यहाँ पे नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा A1 बाय L1, सीधे सीधे आ जाएगा L2 बाय L1 और A1 बाय A2, वही चीज़ आ जाएगी। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके यहीं लिख लेता हूँ। सो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ये भी आ जाएगा L2 बाय L1 इनटू A1 बाय A2। सो यहाँ पे L2 बाय L1 का वैल्यू क्या होगा, L2 बाय L1 का वैल्यू आप यहाँ से देख लो, इसी इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 हमने ऊपर मानी है ये वाली, यहाँ पे L2 बाय L1 का वैल्यू है 3/1, तो ये हो जाएगा 3/1 इंटू A1 बाय A2 का वैल्यू कितना है, A1 बाय A2 का वैल्यू हमारा है 3:1, तो यानी 3/1 हो गया। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पे आप ओरिजिनल रेजिस्टेंस का वैल्यू रख दो, आर हमारा कितना था, 3 ओम था, सो आर को आप राइट साइड भेज दो, सो ये हो जाएगा आर डैश इज इक्वल टू 9R, और यहाँ पे R का वैल्यू हम रख देंगे तो हो जाएगा 9 × 3, और 9 × 3 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 ओम। सो नए वायर का रेजिस्टेंस जो R डैश का वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, R डैश विल बी इक्वल टू 27 ओम, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जो नए वायर का हमारा रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 27 ओम। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा, अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बता देना, मैं उसको भी रिजॉल्व कर दूंगा। वैसे आई होप समझ में आ गया होगा अभी तरीका कि किस तरह से हम स्ट्रेच वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सो चलो भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग इस मामले में है, बिकॉज यहाँ पे चलो इसको पढ़ते हैं फिर बताता हूँ। सो यहाँ पे है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, वायर का रेजिस्टेंस 9 ओम दिया है, हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर, इनिशियल लेंथ उसकी कितनी है 30 सेंटीमीटर, इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, इसका मतलब अगर आप समझ जाओगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हो। चलो इसको समझते हैं। सो यहाँ पे भी डिटेल्स हम ऐसे लिख लेंगे, इधर हो जाएगा हमारा ओल्ड वायर और इधर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे न्यू वायर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं हम इस बार, तो न्यू वायर मैंने लिख दिया। अब ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ का मतलब ऐसे होता है, जैसे मान लो आपके पास एक वायर है, आपने क्या किया उसको 20 से लिया और ऐसे मोड़ दिया, एक ये तो नहीं मोड़ सकता है, मान लो जैसे ये आपका वायर है और आपने क्या किया इसको
20 से मोड़ के ऐसे एक के ऊपर एक डबल कर दिया, सो इसको बोलेंगे डबल ऑन इट सेल्फ। अगर मान लो इसी वायर को हम ऐसे एक के बाद एक इस तरह कर दें तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑन इट सेल्फ, मतलब एक के ऊपर एक आपने उस वायर को रख के डबल ट्रिपल कर लिया। सो इसका मतलब होता है डबल ऑन इट सेल्फ या ट्रिपल ऑन इट सेल्फ। तो यहाँ पे हम उस वायर को एक के ऊपर एक 3 बार रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ओल्ड वायर जैसे मान लो आपका ये है, ये आपका है कितना 30 सेंटीमीटर लेंथ का, तो इसकी लेंथ हम L1 मान लेते हैं, 30 सेंटीमीटर लेंथ का ये वायर है। आपने क्या किया, इस वायर को 3 जगहों से, मतलब 2 जगहों से बेसिकली पॉइंट लगाए, यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर पे और 20 सेंटीमीटर पे, 3 जैसे किए और इसको ट्रिपल कर दिया एक के ऊपर एक। सो यहाँ पे ये वायर कैसा हो जाएगा, एक लेयर ऐसे आ जाएगी, फिर एक लेयर इसके ऊपर आ जाएगी और एक लेयर इसके ऊपर आ जाएगी, मतलब इस तरह जुड़ा हुआ है वायर इस तरह, और कहीं ना कहीं ये आपका नया वायर हो गया। सो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, आपने ट्रिपल किया है तो इसकी नई लेंथ जो हो जाएगी, न्यू लेंथ L2 विल बी इक्वल टू, इसकी 1/3 हो जाएगी इनिशियल लेंथ की। सो ये हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर, क्यों, बिकॉज 10 10 सेंटीमीटर के पीस आपने लिए एक के ऊपर एक मोड़ दिए। सो यहाँ पे जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे कितनी लेंथ थी, यहाँ पे आपकी 30 सेंटीमीटर लेंथ थी। आपने 10 10 सेंटीमीटर के टुकड़े लिए और एक दूसरे के ऊपर ऐसे मोड़ दिया, ट्रिपल कर दिया वायर को बेसिकली। सो ये मतलब होता है ट्रिपल ऑन इटसेल्फ। अब ये करने से चेंजेस क्या क्या हुए, तो देखो लेंथ का चेंज तो आपको पता लग गया, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L/A, लेंथ आपको पता होनी चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस बार क्या होगा, इस बार आपने स्ट्रेच तो किया नहीं है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो नहीं हुआ। इस बार जैसे मान लो इनिशियली वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना था, अब आपने 3 लेयर लगा दी तो इसका भी क्रॉस सेक्शन ऐड हो जाएगा और इसका भी क्रॉस सेक्शन ऐड हो जाएगा तीसरी लेयर का। सो यहाँ पे जो न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा हमारा, तो A1 यानी कि इनिशियली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर आप A मानोगे तो 3 टाइम्स करने पे उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 गुना हो जाएंगे। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नया वाला क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे सीधे सीधे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये हो जाएगा R' / R, मैं यहाँ सीधे सीधे इस बार लिखूंगा, ये हो जाता है L2 / L1 * A1 / A2, ये आप लास्ट वाले क्वेश्चन से देख सकते हो। सो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे सीधे सीधे, तो हो जाएगा R' / R इज इक्वल टू L2 / L1, L2 कितना है, ये है 10 सेंटीमीटर, L1 कितना था, ये था 30, इंटू A1 / A2, A1 कितना है, A1 का वैल्यू A है और A2 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 1:3 आ जाएगा बेसिकली। ये यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये तो वेरिएबल है, और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो आप, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 और इधर आ जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 1/9, तो ये आ गया। अब यहाँ पे R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, R डैश इज इक्वल टू R को अगर राइट साइड भेज दोगे तो ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा R/9, और ओरिजिनल रेजिस्टेंस यानी R का वैल्यू हमें कितना गिवन था, ये था आपका 9 ओम, क्वेश्चन में गिवन था, तो इसको जैसे ही आप 9 ओम रखोगे ये आ जाएगा 9/9 और ये आ जाएगा आपका 1 ओम। सो फाइनली हमारा न्यू रेजिस्टेंस R डैश विल बी इक्वल टू 1 ओम, यानी कि नए वायर का, यानी उसी वायर को जब हम ट्रिपल करेंगे एक के ऊपर, ट्रिपल ऑन इटसेल्फ, तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R डैश विल बी इक्वल टू 1 ओम, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। और किसी क्वेश्चन में जैसे मान लो आ जाता है डबल ऑन इटसेल्फ, तो वहाँ पे आप 2 लेयर बनाओगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिर्फ डबल होगा, लेंथ आधी हो जाएगी। सो डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 5 टाइम्स भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। सो यहाँ पे 2 टाइप्स के 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जहाँ पे वायर की लेंथ आपको बढ़ानी होती है, स्ट्रेच करनी होती है, और एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहाँ पे आपको वायर एक दूसरे के ऊपर डबल या ट्रिपल करना होता है। सो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, दोनों ही तरीके के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिए, एंड आई होप अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। सो इसके बाद अभी हम कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं जो कि इससे अलग है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही है, चलो उनको देखते हैं। सो अभी हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जो कि एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ग्राफ हम नहीं बनाएंगे, ग्राफ के बिना ही करेंगे, लेकिन ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ है, तो यहाँ पे ग्राफ बनता है इसका, बट यहाँ पे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है एज सच। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक टेबल दी है जहाँ पे आपको पोटेंशियल्स की वैल्यू दी है एंड आई की वैल्यूज दी हैं। सो यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे है ड्रॉ VI ग्राफ एंड यूज दिस ग्राफ। अब कहा तो गया है कि ग्राफ बनाना है, बट बिना ग्राफ बनाइए कैसे करना है उसको देखते हैं। सो यहाँ पे आपको बेसिकली V एंड I का ग्राफ बनाने को कहा गया था। तो यहाँ पे अगर हम Y एक्सिस को मान लें वोल्टेज और X एक्सिस को मान लें करंट, सो यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा बिकॉज रेजिस्टेंस लीनियर होती है ओमिक कंडक्टर्स के लिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर ग्राफ बना के हम इसको करते तो ग्राफ पे तो हम देख सकते थे कि पर्टिकुलर वोल्टेज पे कितना करंट है, लेकिन अगर बिना ग्राफ बनाए आपको करना है तो बिना ग्राफ बनाए कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे बस आप स्लोप निकाल लो इस ग्राफ का,
अगर आप स्लोप निकाल लोगे तो वो स्लोप पूरे ग्राफ के लिए सेम रहना है, बिकॉज यहाँ पे जो आपका ग्राफ बन रहा है वो एक लाइन है, तो यहाँ पे स्लोप आपकी सेम रहनी है। तो स्लोप आप निकाल लो, कोई भी दो वैल्यू यहाँ से उठा लो, मैं दो वैल्यू सपोज इसको इसको ले लूंगा और यहाँ पे इनको इनको ले लूंगा। सो यहाँ पे स्लोप निकालते हैं, चलो ये हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, मतलब कि वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई वाली एक्सिस मेरी वोल्टेज की है तो डेल्टा वी ले लिया और नीचे ले लिया डेल्टा आई, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी यानी कि 1 माइनस 0.5। देख लो दोनों वैल्यूज मैंने वी वाली ले ली हैं और डिवाइड बाय ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.2, कितना आ जाएगा ये ऊपर आ जाएगा 0.5 और नीचे आ जाएगा ये 0.2। यहाँ पे आप पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये आ जाएगा 5/2 और 5/2 की वैल्यू कितनी होती है 2.5। सो ये आ जाएगा हमारा 2.5 ओम्स। ठीक है, तो यानी कि इस ग्राफ का स्लोप कितना आया 2.5 ओम, और जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ जो स्लोप होता है वही होता है क्या इसका रेजिस्टेंस, मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 2.5 ओम, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे सीधे सीधे स्लोप निकाल लिया। अब इस स्लोप की मदद से ए और बी पार्ट कैसे करने हैं, देखो यहाँ पे पहले हमें क्या निकालना है, द पोटेंशियल डिफरेंस वी व्हेन द करंट आई इज 0.5 एम्पियर। तो यहाँ के लिए सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा दो, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर से निकाल लेते हैं। आई हमको गिवेन है कितना, आई हमको गिवेन है 0.5, रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं कितना 2.5, बस मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट्स, यहाँ फटा के 10 लगा दो, यहाँ भी 10 लगा दो, हो जाएगा 25, 5 जा कितना 125 और नीचे आ जाएगा 100, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1.25, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, वोल्टेज आपका आ जाएगा 1.25 वोल्ट। ये आपका देखो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का। फिर सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है द करंट आई व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज 0.75 वोल्ट। इस बार आपको वी दिया है, आई निकालना है, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाय आर, वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है 0.75 और आर आप निकाल चुके हो 2.5। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे लग जाएंगे 2 जीरो और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ लगेगा 1 जीरो, 0 से 0 कैंसिल और 25 से कैंसिल कर लोगे, 25 1 से 25, 25 3 से 75, सो यहाँ पे आ जाएगा 3/10 यानी कि ये हो जाएगा 0.3 एम्पियर। सो 0.3 एम्पियर विल बी द करंट जो कि हमें सेकेंड पार्ट में निकालना था, तो यहाँ पे आ जाएगा आई इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर और यही हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगर ये ग्राफ बना के करते तो ग्राफ के तरीके से करना होता, बट बिना ग्राफ बनाए कैसे इसको करना है सॉल्व, ये मैंने यहाँ पे बता दिया और आई होप ये तरीका आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। चलो इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि हमारे इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो अभी हम करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको पढ़ते हैं। सो यहाँ पे है द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब टेक्स अ करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 0.2 वोल्ट। सो यहाँ पे हमें एक केस दिया हुआ है, पहले केस वन इसको लिख लेते हैं। सो यहाँ पे एक केस हमें दिया है कि करंट यहाँ पे है आई वन, मान लेते हैं इसको आई वन हमारा है 100 मिली एम्पियर व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड 0.2 वोल्ट। तो इतना वोल्टेज और इतना करंट हमने दिया है केस वन में। सो इसके बाद एक और केस हमें दिया है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बिकम्स 1.0 यानी 1 वोल्ट, द करंट बिकम्स 400 मिली एम्पियर। सो यहाँ पे सेकेंड केस में हमें दिया है कि अगर हम वोल्टेज को 1 वोल्ट कर रहे हैं, 1.0 वोल्ट लिख देते हैं, 1.0 वोल्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे करंट हमारा कितना बन रहा है, करंट इज इक्वल टू 400 मिली एम्पियर, तो हमारा करंट इतना हुआ जा रहा है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन डिटेल से वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन ईच केस। दोनों केसेस में हमें रेजिस्टेंस बताना है कि यहाँ पे बल्ब के फिलामेंट, यहाँ बल्ब था, फिलामेंट ऑफ बल्ब यहाँ पे जल रहा है, सो यहाँ पे बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, वी इज इक्वल टू होता है आई आर, तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वी बाय आई, सीधे सीधे लगा के रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाय आई, पहले केस में कितना हो जाएगा, वी है 0.2 और नीचे 100 मिली एम्पियर है, तो मिली के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 100। अब क्योंकि यहाँ पे करंट हमारा मिली एम्पियर में था, सो मिली को हटाने के लिए हमें इस वैल्यू को यानी करंट को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ डिवाइड जब आप करोगे नीचे तो वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में है करंट। सो यहाँ पे ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हटेगा, यहाँ 10 लग जाएगा, फिर उसके बाद 2 जीरो यहाँ इससे कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ओम। इसके बाद केस टू देखते हैं, केस टू में आर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसको आर वन मान लेते हैं और यहाँ पे इसको आर टू मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा वी बाय आई, और इसको V2 बाय I2 मान लेते हैं, इसको V1 बाय I1 मान लेते हैं। सो यहाँ पे V2 कितना है 1 वोल्ट
और नीचे करंट कितना है 400 मिली एम्पियर। अगेन मिली को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि ऊपर जाएगा, सो यहाँ हो जाएगा 1000। बस इसको सॉल्व कर लो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/2, ये हो जाएगा 2.5 ओम। सो ऊपर रेजिस्टेंस आया 2 ओम और नीचे आया 2.5 ओम। सो यहाँ पे ये डिफरेंस क्यों है, क्वेश्चन ने हमसे ये भी कहा है कि यहाँ पे दोनों केसेस में जो रेजिस्टेंस आएगा वो अलग अलग आएगा, एंड अकाउंट फॉर द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्यों आया है ये आपको रीजन देना है। सो यहाँ पे रीजन ये हो जाएगा, आपने एक पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस खासकर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जब आपने बल्ब को जलाया तो बल्ब के फिलामेंट का टेम्परेचर राइज होगा धीरे धीरे, तो जैसे जैसे वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा फिलामेंट का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। सो यहाँ पे रीजन हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर में इंक्रीज की वजह से आपके फिलामेंट का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सो ये हो जाएगा आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में किए हैं। अगर आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और बाकी एम रखते हैं इस वीडियो का 500 लाइक्स का कर देना, और बाकी आप लोग चाहो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, इससे उनका भी हेल्प हो जाएगा। और जिन बच्चों को भी इस तरह के क्वेश्चन में डाउट होता था, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद वो डाउट खत्म हो जाएगा। और साथ में अगर आप फिजिक्स सेमेस्टर 2 के और भी टॉपिक्स देखना चाहते हो, उसके लिए आप मेरी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय।